नमस्कार साथियों, प्रमोशन पदभार से एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है, जहां कुछ जिलों में इस प्रकार के अच्छे कार्य भी हो रहे हैं प्रमोशन पदभार से रिलेटेड। हालांकि अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की कार्रवाइयां होंगी। जैसे कि कोई प्रमोशन पदक्रम सूची जारी होती है और उसमें कहीं भी त्रुटि रहती है तो उसमें भी सुधार हो सकता है, या प्रमोशन पदक्रम सूची जो जारी होगी तो उसमें एक अवसर और दिया जाएगा फाइनल सूची अपलोड करने से पहले या पब्लिश करने से पहले कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो इस प्रकार के दो आदेश हैं, इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला छिंदवाड़ा का, इसमें प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की संभाग स्तरीय पदक्रम सूची में अंकित जानकारी का मिलान करने बाबत है। तो साथियों, जहाँ छिंदवाड़ा की ये सूची जारी की गई है उसमें कुछ त्रुटियाँ नहीं होंगी और उनको अब जैसे कि संकुल प्राचार के लिए भेजा गया है कि आप एक बार त्रुटियों से मिलान कीजिए, यदि त्रुटियां हैं तो उनमें संशोधन हो सकता है। विषय अंतर्गत संभागीय कार्यालय जबलपुर में संभाग स्तरीय प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की संभागीय कार्यालय जबलपुर के पत्र क्रमांक 2501 दिनांक 10/7/2023 की सूची जारी की गई है। जारी सूची का अवलोकन करें संबंधित शिक्षक को अनिवार्य रूप से तत्काल इससे अवगत कराया जाए। यदि अंकित जानकारी में अभिलेख अनुसार त्रुटि प्रदर्शित हो रही है तो संलग्न प्रारूप में अंकित दस्तावेज के साथ संबंधित का अभ्यावेदन एक नकल नस्ती में संकुल में प्राप्त करेंगे और वांछित दस्तावेज सहित 18/7/2023 को 12 बजे तक सभी संकुल एवं जिला कार्यालय से संबंधित करके प्रस्तुत करेंगे। वहीं साथ ही प्रमाण पत्र अनिवार्यता संलग्न करेंगे कि प्रस्तुत की जा रही एकल नस्तियों में के अलावा अन्य किसी शिक्षक की जानकारी के अलावा सुधार किया जाना अपेक्षित नहीं है। वहीं निकट भविष्य में उच्च पद प्रभार आदि से जारी होने पर किसी भी संकुल से अभ्यावेदन प्राप्त होने से संबंधित संकुल प्राचार के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि पूर्व सावधानीपूर्वक कार्य को प्राथमिकता दिया जाए। तो साथियों, जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा यह आदेश जारी किया गया है 14/7/2023 आज, और यह संदर्भित लेटर है 10/7/2023 का, तो उसके परिप्रेक्ष्य में है। यानी संभाग द्वारा जो सूची जारी की गई थी जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो छिंदवाड़ा आता है तो उसके तहत कुछ त्रुटियां रही हैं, तो एक बार और सुधार करने का मौका दिया गया है, फिर जो फाइनल सूची वो पब्लिश की जाएगी अब जो कि मिलेगी। अब यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि जो इसका संदर्भ लेटर है 10/7/2023 का है जबलपुर का, तो जबलपुर का हम देखते हैं जबलपुर में क्या कार्रवाई हुई है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षक वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यावेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर में भी इस प्रकार का जो फाइनल सूची भेजी गई थी उससे पहले इस प्रकार का अभ्यावेदन भी दिया गया था, जिसमें दिया गया था द्वारा संकुल प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा। वही 10/7/2023 को प्रकाशित प्राथमिक शिक्षक वरिष्ठता सूची में त्रुटि सुधार बाबत है। और वहीं निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षक की मेरे नाम के समक्ष निम्नानुसार त्रुटियां अभिलेख अनुसार प्रदर्शित हो रही हैं, कृपया निम्न कॉलम के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत सुधार हेतु कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार की अपनी जानकारी फिल करके जहां भी तो त्रुटि है उसमें यहां दे करके और प्रार्थी इसमें अपना अभ्यावेदन संकुल प्राचार्य को कर सकता है। हालांकि ये कंडीशन उस समय जब फाइनल सूची पोर्टल पर नहीं आई उससे पहले ये कार्रवाई यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने ये अच्छा कार्य किया है कि बाय चांस अगर कोई की त्रुटि रहती है, जैसे कि ग्वालियर संभाग की बात करें तो कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि त्रुटियाँ हैं, सूचियाँ भी फाइनल और जारी हुई हैं माध्यमिक शिक्षकों की और वहाँ से भी आवेदन शायद लिए होंगे, और इस प्रकार के आप संकुल प्राचार्य या JD कार्यालय DO कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी एक बड़ी अपडेट, और खासकर मोस्टली जिन शिक्षकों की अभी भी त्रुटियों में सुधार नहीं हुआ है, जो फाइनल सूची आएगी उससे पहले या फाइनल सूची कुछ जो व्हाट्सएप पर जारी हो रही तो आप उनका भी संशोधन करा सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार की अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।